उन स्टूडेंटों के लिए है जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे, तो नियामक ज्यामिति। इसमें से जो एक एक नंबर का होगा, जो एक नंबरी क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। 4-5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का सर, और इसमें आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए अगर सर, तो इसको लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से सीखेंगे सर, आपको सारा समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। देखिए, नियामक ज्यामिति 5 नंबर आपको दे देंगे अगर आप समझे अच्छा से तो। नियामक ज्यामिति ने बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, ओनली 10 मिनट, आपको 5 नंबर दे रहे हैं, आप देख लेंगे। देखिए, ये कैसे खींच लेंगे, आप समझेंगे अच्छा से सर। ये होता x, ये होता x डैश, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश अक्ष हो गया, इधर क्या हो जाएगा, तो y, इधर हो जाएगा y डैश, आप समझे सर। ये क्षैतिज जो होगा वो x अक्ष होगा, और ये होगा x x डैश अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर जो खड़ी है वो होगा y अक्ष, और नीचे वाला क्या होगा, y डैश, नहीं y डैश, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0, आप इसको लिख लेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कचड़ा नहीं करेंगे, आपको देखने में खराब लगेगा, आप इसको लिखेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ दोनों लाइन जहाँ पर मिलेंगे वो होगा मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, ये होगा 0 0, इसका नाम मूल बिंदु है, मिटा रहे हैं, आप लिख लिए होंगे। देखिए, इधर में ये एक्स तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, मतलब एक्स अक्ष के तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, तो पॉजिटिव में आएगा, और एक्स डैश अक्ष में आएंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, नंबर वही रहेगा सिर्फ नेगेटिव में आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5, नहीं, एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव में होगा, एक्स डैश अक्ष की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव में होगा, आपका नंबर वही रहेगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। फिर देखिए, वाई में जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, 2 3 4 5, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है, और वाई डैश में आएंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये चलते जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग जान गए, 0 0 होता है, देखिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जो हम लिख बोल रहे हैं आप लिख लेंगे, अगर मैं ना लिख पाऊँ तो आप लिख लेंगे जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश यहाँ पे, और यहाँ पे होता है चतुर्थीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, समझे सर, ऐसे घूरेगा, नहीं घड़ी के विपरीत में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें जो भी होगा प्लस प्लस होगा, आपको समझ नहीं आता होगा लेकिन आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो दोनों पॉजिटिव में होगा, और ये इसमें क्या होगा, तो माइनस और प्लस आएगा, इसमें आएगा दोनों माइनस और माइनस, आप इसको याद रखेंगे, इसमें आएगा एगो प्लस आएगा एगो माइनस आएगा, आप इसको सिंपली याद रखेंगे, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो प्लस और माइनस, इतना याद हुआ। ये चतुर्थांश होता है, हम लिख देते हैं, आप डिसमिस कर जाएंगे, चतुर्थांश,
ठीक है, चतुर्थांश आप सब में कर लेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपको दे देगा क्वेश्चन में, दे देगा ये हूबहू नहीं लड़ सकता है, हम जिस तरह बता रहे हैं अगर आप समझेंगे तो हूबहू तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका नंबर डिजिट चेंज करके ये आ सकता है। बोलेगा बिंदु, पांच छह को क्वेश्चन बताएंगे सर, आप उसको देख लेंगे, उसी टाइप से आपको दूसरा देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा से सीखेंगे, बिंदु दो और तीन, दो और तीन किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, हमें ऐसे कर दिया आप लिख लेंगे। पूछेगा बिंदु, ये एक नंबर में पूछा जाता, पूछेगा बिंदु दो और तीन किस चतुर्थांश में स्थित हैं, इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये भी टू प्लस में है या थ्री भी प्लस में है, तो प्लस प्लस कौन में है देख लेंगे आप, कौन क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस है, इसका आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको मान लिया जाए कि बिंदु, बिंदु आप सीखेंगे अच्छा से, बिंदु फाइव और थ्री, बिंदु फाइव और माइनस फाइव और थ्री किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित, आप उसको लिख लेंगे, हम बोल दिया बिंदु माइनस फाइव और थ्री किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देख लेंगे फर्स्ट में क्या है तो माइनस, सेकंड में क्या है तो प्लस, मतलब माइनस और प्लस, डिजिट से नहीं मतलब है हमको, माइनस और प्लस से मतलब है, तो फर्स्ट में क्या है माइनस और सेकंड में क्या है तो प्लस, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, आप यहाँ खोज लेंगे माइनस और प्लस दूसरा में, तो ये क्या होगा इसका आंसर, दूसरा होगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश, इस तरह से आप आंसर इसका दे सकते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीन में है मान लिया जाए कि माइनस फाइव और माइनस सेवन किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश, चतुर्थांश में है, आप लिख लेंगे सर, माइनस फाइव और माइनस सेवन किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए। देखिए डिजिट से हमको मतलब नहीं, देखना है कि माइनस है कि प्लस है, तो दोनों माइनस और माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस इसमें खोजेंगे कि कहाँ माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे है माइनस और माइनस, कौन चतुर्थांश है तो तृतीय चतुर्थांश है, इसका आंसर क्या होगा, तो तृतीय चतुर्थांश क्या होगा, इसका आंसर तृतीय चतुर्थांश। नहीं ऐसे आपको इजिली ऐसे इसको बना सकते हैं, उसने सर अगर आप ध्यान देंगे तो आप इजीली मेरे जैसा आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं इसमें, कोई याद नहीं करना है, बट इसको रेगुलर मिलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ाई को याद ना करना कभी नहीं, इसको आप डेली मिलना, इससे आपको याद हो जाएगा। डेली मिलने का मतलब है कि इससे मिलेंगे ना, इसे पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे। ले लेते हैं रूट थ्री और रूट फाइव, रूट थ्री और रूट फाइव किस चतुर्थांश में स्थित है, आप बताइए किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए सर। माइनस रूट थ्री और रूट फाइव ये देख लेंगे कि डिजिट से हमको मतलब नहीं, लेकिन प्लस और माइनस इसमें देख लेंगे, प्लस और माइनस पर ही इसका आंसर आएगा, तो दोनों प्लस प्लस में है नहीं, तो दोनों प्लस प्लस में है, तो आप इसमें देख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, क्या इसका आंसर रहेगा, प्रथम चतुर्थांश। ऐसे आप इसको इजीली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे सर, पांच नंबर तक। पांच नंबर में है 1.2 बिंदु, बिंदु आप कुछ ले लेंगे 1.5 इंटू थ्री, कुछ नहीं सर, जो वहाँ आपको दिया हुआ रहेगा उसी अनुसार ना चलना है आपको, अपन मन से नहीं ना चलना है। बिंदु माइनस 1.5 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित, हम लेके नहीं आप लिख लेंगे, तो बताइए दोनों प्लस प्लस में, डिजिट से हमको मतलब नहीं है, लेकिन माइनस और प्लस से हमको मतलब है, तो उसको देख लेंगे, माइनस और प्लस जिसमें रहेगा
उससे देखिए 1.5 और 3, 1.5 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस ऑप्शन में आप देख लेंगे, तो प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश। तो उम्मीद करते हैं सर आपको समझ आया होगा। इस पर 2-3 सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सवाल पूछेगा, आप इसको इजीली बना सकते हैं, हूबहू तो नहीं कर सकते लेकिन डिजिट चेंज करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको बनाइएगा आप।